धनिया का उपयोग दो तरह से होता है, एक हरी पत्ती के रूप में और दूसरा मसाले के रूप में। हरी पत्ती के लिए धनिया की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छी जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। किस्मों की बात करें तो किसान धनिया की उन्नत किस्में जैसे पूसा सिलेक्शन 360, आरसी 1, यूडी 20, यूडी 21, पंत हरितिमा, साधना, स्वाति, सीजी 1 और डीएच 5 की बुवाई कर सकते हैं। जहां धनिया लगाना है वहां जल निकासी का सही इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत लें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें। बीज की मात्रा बुवाई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले 1 किलो बीज को 2 ग्राम थीरम या 2 ग्राम बाविस्टीन से उपचारित कर लें। साथ ही बुवाई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुवाई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी में पोषक तत्वों की जांच के अनुसार ही करें। जब खेत की अंतिम जुताई हो जाए तो 10 से 12 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करें। इसके साथ ही नाइट्रोजन 60 किलो, फास्फोरस 40 किलो और पोटाश 40 किलो तत्व के रूप में इस्तेमाल करें।